ड्रग केस में सारा अली खान से पूछताछ के बाद भाई इब्राहिम अली खान ने किया इनडायरेक्टली रिएक्ट, कहा कि बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा है। आखिर क्या कहा इब्राहिम अली खान ने, आइए जानते हैं। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो पूल में नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर करते हुए इब्राहिम ने विंस्टन चर्चिल की एक लाइन लिखी है। इब्राहिम ने लिखा, अगर आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग, विंस्टन चर्चिल। इब्राहिम अली खान के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस का कहना था कि सारा अली खान के ड्रग केस में समन के बाद का रिएक्शन है ये। कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्हें पता है कि सारा ड्रग्स नहीं लेती, तो वही कुछ लोगों ने कहा कि वो ड्रग्स लेती है। डाले एक नज़र उन कमेंट पर। बता दे कि कुछ ड्रग चैट्स के सामने आने के बाद सारा अली खान और दीपिका पाडुकोण जैसे स्टार्स को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद इब्राहिम का ये पोस्ट देखकर अब फैंस ने अंदाजा लगा लिया है कि ये सारा के ड्रग केस से रिलेटेड है। वहीं आपको याद दिला दे कि कुछ दिन पहले सैफ अली खान ने भी किया था रिएक्ट सारा को ड्रग केस में सपोर्ट न करने के आरोपों पर। सैफ ने तब कहा था, मैं हमेशा उनके लिए हूँ, मैं अपने सभी तीन बच्चों से प्यार करता हूँ। ये सच है कि मैं तैमूर के साथ बहुत समय बिताता हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे इब्राहिम और मेरी बेटी सारा के साथ लगातार जुड़ा रहा हूँ। मेरे तीनों बच्चे अलग हैं, मेरे दिल में तीनों के लिए जगह है। आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या ये रिएक्शन सारा के ड्रग केस से रिलेटेड है? आपकी राय इसमें बेहद जरूरी है, हमें कॉमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूले। Also do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.